नमस्कार शिक्षक मित्रों, मैं कृष्णकांत त्रिपाठी NIOS के इस स्टूडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम भाषा शिक्षण से संबंधित कक्षा कक्ष चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ विशेषज्ञ के रूप में उपलब्ध हैं डॉक्टर पतंजलि मिश्रा, वर्धमान महावीर मुक्त विश्वविद्यालय के सहायक आचार्य। मैं मिश्रा जी का स्वागत करता हूँ और मैं चाहूँगा कि इस विषय पर हमारे शिक्षकों को विस्तृत जानकारी प्रदान करें। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही रोचक विषय है भाषा शिक्षण की कक्षा कक्ष संबंधित चुनौतियों का, और एक शिक्षक जो है विभिन्न चुनौतियों का सामना करता है कक्षा कक्ष परिस्थितियों में। तो हम यह जानने और समझने की कोशिश करेंगे ठीक तरीके से कि आखिर एक शिक्षक को कक्षा कक्ष की परिस्थितियों में भाषा शिक्षण को लेकर के कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो इसको ठीक तरीके से समझने के लिए यदि हम देखें तो कई बार हम देखते हैं कि साहित्यिक सामग्रियों का उचित तरीके से यदि चयन नहीं किया जाए, या साहित्यिक सामग्री सही तरीके से लिखी हुई ना हो, या फिर उसका उपयोग ठीक तरीके से नहीं किया जाए, तो हम सामान्यतया यह बात देखते हैं कि सीखने वाले के लिए संरचना की दृष्टि से काफ़ी जटिलताओं का सामना करना पड़ता है। और हम यह देखते हैं कि यदि भाषा की कक्षा में व्याकरण के नियमों का पालन ठीक तरीके से नहीं किया जा रहा है तो बालकों से यह अपेक्षा करना एक तरीके से बेमानी होता है कि वे वाक्यों की संरचना अथवा शैली पर चर्चा कर पाए। तो डॉक्टर साहब, ये महत्वपूर्ण है कि जब हम कोई कक्षा कक्ष में हम कोई व्याकरण पढ़ा रहे हैं, या हम कोई वाक्य संरचना पढ़ा रहे हैं, या कोई एक शैली विशेष पर चर्चा कर रहे हैं, तो उसके नियमों को और उसकी संरचना को हम ठीक तरीके से देखें और समझें। एक उदाहरण लेंगे तो यह स्पष्ट होगा। जैसे कि एक शिक्षक ने अपनी कक्षा में अपने एक विद्यार्थी, जो कि एक उसका नाम मान लेते हैं कि नेहा है, और नेहा से पूछा कि तालाब में क्या चलता है। तो नेहा ने जवाब दिया कि तालाब में मछली चलती है। जबकि अगला प्रश्न उसी शिक्षक ने दूसरे बच्चे से किया कि जिसका नाम मान लेते हैं कि रमेश है, उससे पूछा कि क्या चलता है तालाब में, तो रमेश ने उत्तर दिया तालाब में पानी चलता है या जल चलता है। तो जब शिक्षक ने कहा कि पानी तो चलता नहीं है, पानी तो बहता है, तो रमेश को लगा कि हाँ, नेहा ज्यादा सही थी और मछली चलती है और पानी बहता है। हालांकि दोनों का तात्पर्य यही है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक कोई चीज जा रही है। यह एक चुनौती के रूप में कक्षा कक्ष में हमारे सामने मौजूद होती है। एक अध्यापक के रूप में, एक शिक्षक के रूप में हमारे सामने हमेशा यह चुनौती होती है कि भाषिक शुद्धता को लेकर, भाषिक क्षमता को लेकर एक सोच हमारे अंदर होनी चाहिए, जिससे कि हम विद्यार्थियों को भाषा के सही प्रयोग हेतु प्रेरित और अभिप्रेरित कर पाए। दूसरी बात डॉक्टर साहब हम समझे यदि, तो हम यह बात ठीक तरीके से जान और समझ सकते हैं कि बच्चों के साथ काम करने की पहली शर्त यही है कि हम उनकी क्षमताओं पर भरोसा करें। हम यह बात ध्यान दें कि वो सीखेंगे और सीख सकते हैं, और इस बात में एक अध्यापक को गहरा यकीन होना चाहिए। जब तक उसको इस बात में यकीन नहीं है कि उसके विद्यार्थी बेहतर तरीके से सीख सकते हैं या उनके अंदर सीखने की अभी क्षमता मौजूद है, तब तक जो है एक बेहतर भाषा कक्ष का या बेहतर भाषा के की कक्षा का निर्माण करना हमारे लिए दुरूह और मुश्किल होता है। इस तरीके से हम देखते हैं कि हमेशा समय और परिस्थितियां एक जैसे नहीं होने के कारण शिक्षक को अपनी कक्षा में भाषा को पढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वह चुनौतियां कई रूपों में हो सकती हैं। वो चुनौती बहुभाषिकता के रूप में हो सकती है, बच्चों के सीखने की गति के रूप में हो सकती है, उसके मूल्यांकन के रूप में हो सकती है। तमाम तरह की चुनौतियां एक कक्षा कक्ष परिस्थिति में एक अध्यापक को सामना करना पड़ सकता है। मिश्रा जी, मैं चाहूँगा कि आप इन चुनौतियों पर एक एक करके प्रकाश डालें, जिससे कि हम समझ सकें कि कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं, किस तरह से मतलब कि हमारे शिक्षक इनको समझें और उसका निराकरण करें। जी डॉक्टर साहब, विभिन्न प्रकार की चुनौतियां हैं। यदि हम देखें तो हम लोग सामान्यतया 9 से 10 चुनौतियां इनलिस्ट कर सकते हैं इसमें कि यह कक्षा कक्ष में भाषा को लेकर चुनौतियां हैं। आप जानते हैं कि NCF 2005 जब से आया है, तब से
बहुभाषिकता को लेकर काफ़ी बहस शुरू हुई है। हालांकि यह बहस पहले भी मौजूद थी, लेकिन NCF 2005 के आने के बाद इस बहस को बहुत मजबूती मिली है और यह माना जाने लगा है कि नहीं, मल्टीलिंगुअलिज्म जो है यह कक्षा कक्ष में बहुत महत्वपूर्ण है, उसको देखा जाना चाहिए, उसको परखा जाना चाहिए और उसका सामना किया जाना चाहिए, उससे डर के भागना नहीं चाहिए। इसको एक तरीके से स्वीकृति मिली है 2005 के बाद, पहले से इसको मतलब कि एक समस्या ही माना जाता था। हाँ जी इसको समस्या ही माना जाता था। तो यह बात समझने की है कि बहुभाषिकता तो हमारे सामने एक चुनौती के रूप में है, लेकिन कई मायनों में वो एक अवसर भी हमारे लिए बन जाती हैं। हम पहले एक एक करके इसको चुनौती के रूप में समझने की कोशिश करते हैं। हाँ जी आज हम बहुभाषिकता को चुनौती के रूप में स्वीकार करेंगे और देखेंगे कि यह किस प्रकार से चुनौती है। इसको यदि देखें डॉक्टर साहब, तो हम यह समझते हैं कि एक शिक्षक की कक्षा में विभिन्न समुदायों से आने वाले बालकों की अपनी खुद की बोली एवं भाषा होती है, और जो भी बच्चा आता है किसी स्कूल में, तो यह बात अध्यापक को समझनी चाहिए कि वो एक संपूर्ण वाक्य संरचना के साथ वहाँ आता है। सामान्यतः अध्यापक यह मानते हैं कि बच्चा भाषा के बारे में कुछ नहीं जानता, बोली के बारे में कुछ नहीं जानता, तो इस कारण कभी उन्हें शिक्षक की भाषा समझ में ना आना और कभी शिक्षक को उनकी भाषा समझ में ना आने की समस्या का सामना करना पड़ता है। तो यह हम देखते हैं कि यदि यदि कोई बच्चा आता है कक्षा कक्ष में और शिक्षक उसकी बात सुनता है, तो एक उदाहरण लें यदि भोजपुरी प्रदेशों का, तो यदि बच्चा भोजपुरी बोलता है तो अध्यापक उसको मना करता है कि नहीं, आप भोजपुरी नहीं बोलें, यहाँ केवल हिंदी बोलें। ये एक ट्रेंड है, मैं नहीं कहता कि सारे शिक्षक ऐसा करते हैं, लेकिन यह एक सामान्य घटनाक्रम है। आमतौर पर शिक्षकों द्वारा बच्चों की भाषाओं को स्वीकार नहीं किया जाता, ये भोजपुरी का ही नहीं, बुंदेली में भी है, कन्नौजी में भी है, हर जगह की जो बोलियां हैं उनको मतलब कि बच्चों को नहीं बोलने दिया जाता है। जी, तो यह माना जाने लगा NCF 2005 के आने के बाद कि नहीं, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए और बच्चों की आवाज़ को, बच्चों के सवालों को, बच्चों की जिज्ञासा को, उनको यदि आप उनकी सहज भाषा में सुनेंगे तो बच्चा ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर, ज़्यादा आत्मविश्वास में वह अपनी बातचीत रखता है। वहीं कोई ऐसा बच्चा भी हो सकता है जो ऐसे बैकग्राउंड से आया हो जो कि जिसके घर में अंग्रेज़ी बोलने का माहौल हो, या दिल्ली के यदि संदर्भ में हम इस प्रकरण को देखें तो दिल्ली एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी है और यहाँ पे भिन्न भिन्न कल्चरों के लोग, भिन्न भिन्न संस्कृतियों के लोग, भिन्न भिन्न भाषाओं के लोग एक साथ एक कक्षा में मौजूद रहते हैं। तो यह एक चुनौती के रूप में अध्यापक के सामने होता है कि उन तमाम भाषाओं को, उन तमाम बोलियों को शिक्षक इस तरीके से रखे, इस तरीके से स्वीकार करे, इस तरीके से स्वीकृति प्रदान करे कि वह एक हमारे लिए अवसर के रूप में सामने आए, न कि एक चुनौती के रूप में। इसके अलावा भी विभिन्न सारी चुनौतियां हैं, जैसे कि कई बार अध्यापक कोई निर्देश देता है मानक भाषा में और बच्चे जो हैं उस निर्देशों को नहीं समझ पाते हैं। जैसे कि यदि हम इसको देखें कि भाषा कालांश के शुरुआत में बच्चों के निर्देश न समझ पाने वाली चुनौती एक शिक्षक के सामने बहुत महत्वपूर्ण चुनौती के रूप में होती है। इसका सबसे अहम कारण होता है बच्चे की घर की भाषा और स्कूल की भाषा में अंतर होना। बच्चा जब स्कूल आता है तो वह अपनी बोली के साथ आता है, अपनी भाषा के साथ आता है। स्कूल में वो सहसा देखता है कि यहाँ तो मेरी भाषा बोली ही नहीं जा रही है, यहाँ तो मेरी बोली के लिए कोई स्थान ही नहीं है, तो वो घबरा जाता है, वो सहम जाता है। छोटा बच्चा जो 5 साल का, 4 साल का, 6 साल का होता है, वो चुप रहने लगता है, और जब वह चुप रहने लगता है तो वो सामान्य रूप से दबा दबा सा महसूस करता है। और अध्यापक जब स्टैंडर्ड भाषा में, स्कूल की भाषा में, मानक भाषा में जब कोई निर्देश प्रदान करता है, उसको भी वो बच्चा नहीं समझ पाता है। और आप उस बच्चे की मनस्थिति की कल्पना करिए कि वो कितना अपने आप को पिछड़ा, कितना हीन भावना का, हीन भावना से, बहुत सही शब्द आपने मुझे ध्यान दिलाया कि वो हीन भावना से ग्रस्त हो जाता है। तो यह एक अध्यापक के सामने चुनौती होती है कि जब वह निर्देश प्रदान करे तो मानक भाषा में निर्देश प्रदान करने के साथ साथ वह इस बात का भी ध्यान रखे कि हो सकता है कि बहुत से ऐसे बच्चे हों जो कि मानक भाषा को नहीं समझ पाते हैं, तो उन बच्चों की भागीदारी कैसे बढ़ाई जाए कक्षा कक्ष में, उन बच्चों को कैसे कक्षा में डिस्कशन में शामिल किया जाए, इसकी एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत
गुरुतर जिम्मेदारी एक अध्यापक पे, एक शिक्षक पर होती है। मानक भाषा में भी हम साधारण वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं, और जहाँ अगर हम बच्चे की मातृभाषा से अगर जागरूक नहीं है। हाँ हाँ, ये भी एक तरीका हो सकता है कि आप मानक भाषा में, जैसे कि यदि भोजपुरी में कोई शब्द है, हिंदी में कोई शब्द है पैर, भोजपुरी में उसके लिए गोड़ इस्तेमाल किया जाता है, तो आप क्रिया पदों को आप मानक भाषा में रखते हुए उन छोटे छोटे शब्दों को जो कि विभिन्न भाषिक संदर्भों से उपज कर आता है उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। डॉक्टर साहब, अगली चुनौती पर हम आते हैं, तो वह है समय की कमी की चुनौती। हम अध्यापकों से जब भी एक टीचर एजुकेटर की हैसियत से बात करते हैं तो कहते हैं हमें कोर्स पूरा करना है, और भाषा कालांश में बहुत सारी गतिविधियां एक साथ हो रही होती हैं, जैसे कि बाल गीत, कविता, कहानी सुनाना, शब्द भंडार व अक्षर पहचान इत्यादि पर काम। ऐसे समय में समय की कमी की चुनौती भी एक भाषा शिक्षक के सामने होती है, और इसका समाधान करने के लिए शिक्षक साथियों को चाहिए कि वो क्लास में रूल सेटिंग करें, नियम बनाएं, ताकि बच्चे जब पढ़ना शुरू करें तो फिर क्लास में बहुत ज़्यादा व्यवधान ना हो। इस तरीके से एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करें, उसके निर्देश इतनी सुस्पष्ट रूप में हमारे सामने आने चाहिए, हमारे बच्चों के सामने आने चाहिए, जिससे कि बच्चा बीच बीच में कोई चीज़ ना पूछे। सामान्यतः हम यह देखते हैं कि अध्यापक यदि कोई निर्देश देता है और बच्चा उन निर्देशों को ठीक से नहीं सुना होता है, या बहुत जल्दबाजी में निर्देश दे दिए गए होते हैं, तो बच्चा बीच बीच में प्रश्न पूछता है जी। और अध्यापक एक दो प्रश्न तो लेता है, और उसके बाद वो बच्चे को डांट के कहता है, चुप रहो, तुम बहुत प्रश्न पूछते हो, बैठ जाओ, तुम समस्या पैदा कर रहे हो। यह समस्या बच्चे की नहीं है, यह बात आपको माननी होगी और स्वीकार करनी होगी, बच्चे की समस्या नहीं है, यह आपके स्वयं की समस्या है कि जब आपने निर्देश दिया तो आपने निर्देश ठीक तरीके से नहीं दिया, जिसकी वजह से बच्चे को बात नहीं समझ में आई, और वो एक्टिविटीज़ के बीच बीच में आपसे प्रश्न कर रहा है, आपसे प्रश्न पूछ रहा है। हो सकता है कि वातावरण में कुछ समस्या हो, बच्चों के शोरगुल के कारण कोई बच्चा ना सुन पाया हो, तो हमें वो डांटना नहीं चाहिए। हाँ, डांटना नहीं चाहिए। हाँ। आपकी जिम्मेदारी है कि समय की चुनौती तो आपके सामने रहेगी। जी जी। क्या है, एक ऐसी चुनौती है जिससे पार पाना केवल प्राथमिक शिक्षकों के लिए ही नहीं, विश्वविद्यालयों में भी शिक्षक इससे जूझ रहे हैं कि समय की कमी की चुनौती तो है, आपको एक समय में पूरा सिलेबस पूरा करना है, लेकिन फिर भी आप जो एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करें उसके रूल को, उसके नियमों को ठीक तरीके से डिज़ाइन करें, जिससे कि उस समय की चुनौती से हम उबर सकें। ये तो स्वीकार है, और अगली चुनौती पर हम लोग चर्चा करते हैं। हाँ, जी डॉक्टर साहब, समय की कमी की चुनौती तो सभी लोग सहमत हैं, स्कूल से लेके विश्वविद्यालय तक। जी। मैं चाहूँगा कि अब अगली चुनौती पे आप प्रकाश डालें। जी जी, जी। समय की चुनौती के बाद जो महत्वपूर्ण चुनौती है वो भागीदारी हासिल करने की चुनौती है। भिन्न पृष्ठभूमि से आए हुए बच्चे होते हैं, अब भिन्न प्रकार के सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से आए हुए बच्चे होते हैं, और जो ऐसे बच्चे जो कि पढ़े लिखे परिवारों से आते हैं, उनकी भागीदारी तो हम ठीक तरीके से कर पाते हैं किसी भी एक्टिविटी में, कक्षा कक्ष में, लेकिन जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर हैं, जिनकी प्रथम पीढ़ी पढ़ रही है, उनके लिए यह एक बहुत महत्वपूर्ण चुनौती होती है, और वो कक्षा कक्ष में विभिन्न एक्टिविटीज़ में अपने अन्य साथियों की अपेक्षा पीछे होते जाते हैं। हम इसको इस तरीके से समझें कि सारे बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक साथियों को सारे बच्चों के बारे में व्यक्तिगत रूप से जानना चाहिए। इसके लिए नियमित अंतराल पर होने वाले आकलन से बच्चों को मदद मिल सकती है। अब आप इस चीज़ को ध्यान से यदि हम इसको यदि इसको डिसेक्ट करें, इसका विश्लेषण करें, तो हम यह पाते हैं कि यदि अध्यापक बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि को नहीं जानता है, तो वह यह नहीं समझ पाता कि ये बच्चा कक्षा कक्ष में चुप क्यों है, यह तो बच्चा बोल क्यों नहीं रहा है, और वहीं सुरेश नहीं बोल रहा है, रमेश बोल रहा है। एक चुनौती है कि सारे बच्चों को शामिल। डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तो अगर बच्चे को हम नहीं जानते हैं शिक्षक के रूप में, तो हम उसको कैसे पढ़ा सकते हैं? तो वैसे ही होगा कि डॉक्टर शरीर को नहीं जानता है, ऑपरेशन करने के लिए तैयार है। जी बिल्कुल, जो ये एनालॉजी है ये बहुत महत्वपूर्ण है कि डॉक्टर जो है वो रोग के बारे में नहीं जानता है, शरीर के बारे में नहीं जानता है, और वो इलाज करने चला आया है। तो एक शिक्षक की जिम्मेदारी है कि वह बच्चों की आर्थिक और सामाजिक पृष्ठभूमि को ठीक तरीके से जाने और समझें। इसके अलावा भी एक समस्या महत्वपूर्ण होती है, बच्चे के अधिगम की समस्या। कई बच्चे जो है भिन्न प्रकार के अधिगम दोषों से पीड़ित भी होते हैं,
कई बच्चे पढ़ पाने में अक्षम होते हैं ठीक तरीके से, कई बच्चे लिख पाने में, जिसे हम आजकल डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, अग्राफिया के टर्म देते हैं, तो इसका भी ज्ञान अध्यापकों को होना चाहिए। और वो विभिन्न प्रकार के आकलन के द्वारा, विभिन्न प्रकार के मूल्यांकन के द्वारा, विभिन्न प्रकार के टेस्ट के द्वारा वह यह जान सकता है कि किस बच्चे को किस प्रकार की समस्या है, जिससे कि उसकी बेहतर भागीदारी सुनिश्चित कर पाए। इसके बाद डॉक्टर साहब, हम लोग देखते हैं कि आजकल तकनीक का भी लैंग्वेज एजुकेशन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो गई है, तो तकनीक की समझ की चुनौती भी हमारे सामने एक महत्वपूर्ण चुनौती के रूप में उभर कर सामने आई है। इसमें यदि हम देखें कि आधुनिक युग में वही शिक्षक अधिक प्रभावी शिक्षण करा पाने में सक्षम है जिसे शिक्षा में उपयुक्त तकनीक के उपयोग की समझ है। यह बहुत जरूरी है कि भाषा को पढ़ाने को लेकर के जो आजकल लैंग्वेज लैब का कॉन्सेप्ट है, जो लैंग्वेज सॉफ्टवेयर्स का कॉन्सेप्ट है, या लैंग्वेज के ऐप भी है मोबाइल, हाँ लैंग्वेज ऐप भी आजकल मोबाइल में हो गए हैं। कई अध्यापक ऐसा कहते हैं कि नहीं, तकनीक जो है वह हिंड्रेंस है, तकनीक हमारे लिए फैसिलिटेटर का काम नहीं करती है। मैं तो ये मानता हूँ कि तकनीकी से हमारा काम सरल हो जाता है, हमारा काम भी सरल हो जाता है और हमारे विद्यार्थियों की समझ भी सरल हो जाती है अगर हम समुचित प्रयोग करें तो। जी, तो इस भ्रांति को दूर करना भी बहुत ज़रूरी है कि तकनीक जो है वह मैकेनिकल बना देती है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को। ऐसा नहीं है, तकनीक की वजह से तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस और फैसिलिटेट होता है। अब यह तकनीक ही ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से डॉक्टर कृष्णकांत त्रिपाठी और डॉक्टर पतंजलि मिश्रा आपके सामने मुखातिब हैं और आपसे बातचीत कर पा रहे हैं और आप दूर बैठे हमारी बातों को सुन रहे हैं और उसे ठीक तरीके से समझ रहे हैं, ऐसा हमारा मानना है। तो सहमत हूं। जी जी, अब डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि कक्षा कक्ष की परिस्थितियों में तकनीक के बाद जो है वह सूझ उत्पन्न करने संबंधी चुनौतियाँ भी हैं, कैसे इनसाइट डेवलप किया जाए। इसमें हम देख सकते हैं कि एक शिक्षक जो है वह अस्थायी रूप से व्यवहारगत परिवर्तन करने के लिए बालक में सूझ उत्पन्न करने का प्रयास करता है। इसके लिए शिक्षक विभिन्न उदाहरणों, प्रत्यक्ष अनुभवों और तकनीक का उपयोग करता है। अतः शिक्षक यदि उन युक्तियों का सटीक उपयोग करने में पारंगत नहीं है तो सूझ उत्पन्न करने संबंधी चुनौती का उसे सामना करना पड़ सकता है। और मुझे लगता है ये सबसे बड़ी चुनौती है, पूरा शिक्षा का जो खेल है वो सूझ और समझ उत्पन्न करना ही है। और मुझे लगता है इस चुनौती को हमें स्वीकार करना चाहिए। हाँ, ये एक इस तरह की चुनौती है जो कि यदि हम इस चुनौती का ठीक तरीके से सामना नहीं करेंगे तो भाषा को लेकर के जो समझ विकसित होनी चाहिए, भाषा को लेकर जो अवधारणा विकसित होनी चाहिए, वह ठीक तरीके से नहीं हो पाती जी। तो मैं डॉक्टर साहब ये जानना चाहूँगा कि भाषा की समझ विकसित करने के बाद भाषा की समझ का मूल्यांकन कैसे हम करेंगे? क्या मूल्यांकन में भाषा का मूल्यांकन अलग से है, कोई चुनौती है इसके साथ? जी, आपने डॉक्टर साहब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है कि भाषा के विभिन्न चुनौतियों की तो चर्चा हमने कर लिया, लेकिन भाषा के मूल्यांकन संबंधित चुनौतियाँ कौन कौन सी हैं, क्या मूल्यांकन को लेकर के कोई चुनौती है? इसको एक उदाहरण से हम लोग समझने और जानने की कोशिश करेंगे। तो एक उदाहरण मैं लेता हूँ कि यदि कोई गणित का अध्यापन कर रहा है और विद्यार्थी जो है गणित में उसकी क्या स्थिति है, गणित में वो कितनी उसकी समझ बनी है, इसका वो एक टेस्ट लेता है। तो उसके लिए वो एक पेपर बनाता है और दे देता है, उस पर जितने अंक आते हैं उसके आधार पर वह एक निर्धारण कर लेता है कि गणित में इसकी इतनी समझ बनी है। जी जी, भाषा को लेकर के यह थोड़ा सा अलग मामला है। और ऐसा मेरा मानना है कि भाषा में हम देखते हैं कि बोलना एक चुनौती है, बोलना बच्चा सीख रहा है ठीक तरीके से कि नहीं, कि ठीक तरीके से बोल पा रहा है कि नहीं, ठीक तरीके से सुन पा रहा है कि नहीं, या और जो चार स्किल है, ठीक तरीके से लिख पा रहा है कि नहीं, जो चार स्किल्स हैं इस पे, इसके विभिन्न पक्षों पर हमारे लिए मूल्यांकन की चुनौती होती है। हम यह देखते हैं कि शिक्षण के साथ साथ एक शिक्षक को अपने बालकों का मूल्यांकन ठीक तरीके से करना पड़ता है, और ऐसे में इन चारों जो डायमेंशंस हैं, ये चारों जो स्किल्स हैं, उसमें बहुभाषिकता को लेकर, सीखने की गति को लेकर। कहने का तात्पर्य है कि मिश्रा जी, कि कौशलों, चारों कौशलों के लिए हमें चार अलग अलग तरीकों से मूल्यांकन करना होगा। जी, और उन चारों कौशलों के लिए चार अलग अलग तरीकों से मूल्यांकन तो करना ही होगा,
और उन चारों कौशलों पर बहुभाषिकता का क्या असर है जी, सीखने की गति का क्या असर है जी, बौद्धिक क्षमता का क्या असर जी, है, व्यक्तिगत विभिन्नता का क्या असर है, जी, और इन चारों को लेकर के, इन चारों पर, इन चारों को लेकर के जो कि मैंने बताया आपको, बहुभाषिकता, सीखने की गति, बौद्धिक क्षमता और व्यक्तिगत विभिन्नता, इन सब चीज को ठीक तरीके से कैटर करना, ठीक तरीके से समझना और उस आधार पे प्रश्न पत्र का निर्माण करना, केवल लिखित परीक्षा से ही नहीं बल्कि मौखिक परीक्षा से भी उसको एसेस करना, तो यह भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण चुनौती के रूप में हमारे सामने आता है। इसमें एक चीज और हम लोगों को समझनी होगी कि भाषा सीखने की गति सारे बच्चों की समान नहीं हो सकती और इसकी समझ जो है एक अध्यापक को होनी चाहिए, उसे अधीर नहीं होना चाहिए। यदि कोई बच्चा सीखने की गति उसकी ठीक नहीं है, वह धीरे धीरे भाषा को यदि सीख रहा है तो इसको ध्यान देना चाहिए। इसमें हम इस तरीके से इसको समझ सकते हैं कि यदि कक्षा कक्ष में कोई टीचर गणित पढ़ाता है, कोई अध्यापक गणित पढ़ाता है, तो हो सकता है कि कई बच्चे जो है उनके सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का गणित सीखने की गति पर असर नहीं पड़ता हो, इसकी संभावना है, लेकिन भाषा को लेकर यह बात नहीं है। भाषा को लेकर जो बात है वो ये है कि विभिन्न प्रकार के आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों से आए हुए बच्चे जो है भिन्न भिन्न तरीके से और भिन्न भिन्न गति से सीखते हैं और प्रत्येक बालक अपनी स्वयं की सीखने की क्षमता के अनुसार ही सीखता है। ऐसे में यह आवश्यक नहीं है कि वह अन्य बालक के साथ प्रतियोगी रहने की क्षमता रखे। अतः एक शिक्षक को प्रत्येक बालक की भाषा की समझ के साथ साथ सीखने की गति का भी ध्यान रखना चाहिए। उसे यह समझ होनी चाहिए, उसके पास यह अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि यह बच्चा इस प्रकार के सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से आया है, इस प्रकार के परिवेश से आया है, इसलिए इसके सीखने की गति थोड़ी मंद है। यदि हम इसको आरामदायक माहौल देंगे, कंफर्टेबल माहौल देंगे, तो उसकी जो उपलब्धि है वो बेहतर हो सकती है, इसकी प्रबल संभावना है। आगे हम देखते हैं कि लैंगिक विषमता भी एक महत्वपूर्ण चुनौती के रूप में, लैंगिक विषमता भाषा में कैसे असर डालती है, मिश्रा जी, ये एक नया विषय लगता है। लैंगिक विषमता जो है वो एक महत्वपूर्ण चुनौती के रूप में हमने आइडेंटिफाई किया है जी। और विभिन्न दस्तावेज 2000 से ही जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आए 2005 में या फिर 2009 में NCFT 2009 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, ये सारे दस्तावेज जो आए, इन सब दस्तावेजों में यह बात प्रमुखता से रखी गई कि जेंडर जो है वो एक महत्वपूर्ण चीज़ है और जेंडर को हमें कक्षा कक्ष की परिस्थितियों में ध्यान रखना चाहिए। सामान्यतया हम यह देखते हैं कि कक्षा में भाषा का शिक्षण कराते समय वाक्यों के निर्माण के दौरान लैंगिक समानता को ध्यान में अध्यापक नहीं रखते हैं और वाक्यों का निर्माण इस प्रकार से करते हैं जो कि मेल डोमिनेंट होता जैसे? है। जैसे इसको इस तरीके से हम समझें कि कई बार कक्षा में पढ़ाते समय हम यह उदाहरण देते हैं कि राम जो है स्कूल जाता है, सीता झाड़ू लगाती है जी। क्यों राम स्कूल जाता है और सीता झाड़ू लगाती है, इस तरीके के उदाहरणों का क्या मतलब है? और कक्षा में क्या इसकी हमें चिंता नहीं करनी चाहिए कि राम स्कूल जाता है, सीता झाड़ू लगाती है, यह एक जेंडर स्टीरियोटाइप है? ये तो समस्त शिक्षा व्यवस्था के लिए ही एक कारण है। हाँ, इसमें यह बात हमें समझनी होगी कि जब भी आप कक्षा कक्ष में उदाहरण दें, ऐसे उदाहरणों को देते वक्त यह ध्यान रखें कि आप लैंग्वेज स्टीरियोटाइप ना हो और लैंग्वेज की विभिन्नताओं को, लैंग्वेज के इनोसेंस को और लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को ध्यान में रखकर आप ज़्यादा से ज़्यादा निरपेक्ष हो। और यह बात हमें ठीक तरीके से समझनी होगी कि यदि लैंगिक विषमता को लेकर के, यदि जेंडर डिस्पैरिटी को लेकर के हम जरा सी भी गलती करते हैं या बालक या बालिका में भेदभाव करते हैं या किसी प्रकार का लैंगिक मजाक करते हैं, कई बार कक्षा कक्ष में हम लोग पढ़ाते वक्त हंसी मजाक का माहौल बनाते हैं, प्रारंभिक कक्षाओं में तो यह बेहद ज़रूरी है कि एक अध्यापक जो है वो बच्चों को इंगेज रखने के लिए बहुत सारे चुटकुले, गीत, कहानियाँ, यह तमाम चीज़ें
सुनाता है। एक मैं उदाहरण इसमें लेना चाहूँगा, मुझे अचानक एक उदाहरण याद आया कि एक बहुत पहले से कविता हम लोग सुनते आ रहे हैं, तितली उड़ी बस में चढ़ी, ड्राइवर ने कहा आओ मेरे पास, तितली बोली हट बदमाश। तो क्या यह लैंगिक विषमता की ओर, एक एक लैंगिक स्टीरियोटाइप की तरफ इंगित करती हुई कविता नहीं दिखती है? क्या इस तरीके की कविताओं को कक्षा कक्ष में, विशेषकर सामान्य और छोटे कक्षाओं में, प्राथमिक कक्षाओं में, क्या इस तरीके की कविताओं का इस्तेमाल करना चाहिए? यह एक हमारे सामने प्रश्न के रूप में आज खड़ा है। मैं मिश्रा जी आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इतने अच्छे तरीके से भाषा शिक्षण से संबंधित कक्षागत चुनौतियों पर प्रकाश डाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और मैं चाहूँगा कि हमारे शिक्षक मित्र जो हैं उनके लिए आप फिर से आएँ और उनके लिए कुछ नए विषय पर चर्चा करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और शिक्षार्थियों का आभार।